इसके लिए पहले मैंने एक बड़े बर्तन में पानी लिया है, गरम करने के लिए रख देंगे हम उसे। और अब हम आटा लेंगे, ये देखिए मैंने लगभग 1 किलो आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सौंफ, 1 कुटा हुआ धनिया, धनिया को थोड़ा कूट लें साबुत धनिया को, 2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 चम्मच। ये मैंने मक्के का आटा लिया है लगभग 150 ग्राम। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने 1/2 चम्मच मीठा सोडा लिया है, इसको भी हम आटे में ही मिक्स कर लेंगे। और ये तेल 1/2 कटोरी, अब हम इसे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मसल मसल के मिक्स करें। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें दही डालेंगे लगभग 100 ग्राम। दही खट्टा ना हो ये ध्यान रखें। अब हम इसे पानी की सहायता से गूंद लेंगे। इसे ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। ये देखिए इस प्रकार। अब हम इसकी बाटियाँ बनाएंगे, बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से बनानी है बाटियों में। थोड़ी जैसे कचौरी होती है उस तरह से इसे दबा दें इस प्रकार। ये हमारी बाटियां गोल हो गई हैं। अब हम इन्हें पानी में डालेंगे। ये देखिए पानी उबल गया है। ये जरूर ध्यान रखें कि पानी उबाल आने लग जाए अच्छी तरह, और बर्तन भी बड़ा लें ताकि सारी बाटियां आराम से आ जाएं। अगर एक बार में बाटियां नहीं आती है तो आप 2 बार में भी उबाल सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें डाल देंगे। ये देखिए अभी किसी भी पलटे की सहायता से या किसी भी चीज की सहायता से हमें इन्हें इस तरह से हिलाना है ताकि नीचे तलवे में ना चिपके। अब इनमें उबाल आने लगा है, इनको उबलने दें। दूसरी तरफ हम ये बाटी कुकर जो होता है, बाटी ओवन, इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए भापला उबल उबल के अपने आप ऊपर आने लगे हैं, इसका मतलब कि ये उबल चुके हैं। जब पानी के ऊपर तैरने लगे तो वो हल्के हो जाते हैं और समझ जाएं उबल चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके निकालेंगे। इनको कपड़े से, जैसे ही निकालें कपड़े से पोंछते ही इनको हमें बाटी कुकर में डालना है, इसीलिए इनको ठंडा ना होने दे ज़्यादा। ये मैंने साथ के साथ ही कर लिया है। कपड़ा थोड़ा मोटा ले लें ताकि आपके हाथ ना जलें, और इन्हें बाटी ओवन में रखते जाएं। अपने आप ठंडा होने के लिए इन्हें ना रखें, पानी में से निकलते ही इन्हें पोंछ पोंछ के बाटी ओवन में रख दें। ये इस प्रकार से मैं सारे बाटियां जो हैं उबली हुई भापला इनको निकाल निकाल के रख रही हूँ इस तरह से। अब हम बाटी ओवन को ढक देंगे और इन्हें पहले थोड़ी देर तेज आंच में
संभालते हुए, बीच बीच में संभालते रहें और सेकते रहें, और फिर हम इसकी आंच थोड़ी धीमी कर दें। इस तरह से इन्हें पलटते रहें ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। ये देखिए ये सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे कपड़े पे और इन्हें थोड़ा सा दबाएंगे। ये देखिए, और इसको हम घी में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इसको घी में कर लेंगे। ये हमारी भापला बाटी तैयार है। सभी भापलाओं को हम इसी तरह से घी में कर लेंगे।